दिक्कत तो ये है कि पेट भर जाए और क्या है, पैसे थोड़ी क्यों रखा, पैसे नहीं जब खाना मिल जाए ना, खाना मिलेगा पैसे का क्या करेंगे। अरे बच्चों को दवाई कराने जाते हैं तो दूर बैठा देते हैं, ले भाई दूर से गोली फेंक दी, ले भाई। अच्छा और पहले आते थे तो अकेले खाना दे जाते थे, एक टाइम ले जाते थे अकेले सवेरे के, से खाना भी पहुंच नहीं रहा नहीं हमको, अब फिर नहीं आया, वो ये चार पांच दिन बाद है, माने एक दिन खाना बना बना के पैकेट क्या देते हैं, ओ इसमें दाल चावल और छोटा सा पैकेट, कितने देते हैं परिवार को, एक परिवार को क्या, कोई किसी को थोड़ा थोड़ा दे दिया बस हो गया काम, अभी आते हैं कभी एक एक रोटी दे देते उसमें पेट भरता है, एक रोटी हाँ तो मैंने कह दिया था कि साहब एक रोटी का हम क्या करें, अगले एक बच्चा खा लेगा वही नहीं है फ्री का सारा। आप लोग क्या करते हो, ये कहते हैं सब मजदूरी करते, अभी तो काम बंद चल रहा है, कैसे काम बंद, अभी घर कैसे चल रहा है, अब जा कैसे सकते हैं, ठेकेदारों से एडवांस खा के बैठ गए, ठेकेदारों से एडवांस ले लिए, मतलब उधार और दे नहीं रहे पैसे, अब काहे को देंगे जब एडवांस ले लिया, राशन वाशन है आपके पास अभी, अभी तो सर कुछ नहीं है, कुछ ही तो है नहीं है साहब, नहीं तो एक टाइम साहब खाना खाते हैं, एक टाइम साहब चूल्हे में आग तो वैसे ही भरी होती है। अच्छा और एक टाइम खाना खा रहे पूरा दिन, और फिर क्या करें साहब, गुजारा करना है, बच्चे सब देख लो साहब, अपन तो खेल चलो एक बार में, अभी दिल्ली के आप लोग कहाँ के, बाहर के, एमपी के हैं। अच्छा एमपी से हो, हाँ तो राशन कार्ड वगैरह नहीं है आप लोगों का, राशन कार्ड है किसी के, हैं किसी के नहीं है, राशन मिल नहीं रहा क्या, सुनो इनकी बात, तीन बार हुआ कंट्रोल पे कहते तुम्हारे राशन कार्ड बंद कर दिए, राशन कार्ड पे राशन दे नहीं रहे, नहीं दे रहे बंद कर दिए, कौन किस जगह पे गए थे आप, स्कूल पढ़ी, स्कूल पे है ना, हाँ तिलक विहार के पास है कंट्रोल, हाँ उस पे गए तीन बार, तिलक विहार के कंट्रोल पे गए तीन बार, राशन कार्ड होने के बाद भी राशन नहीं मिल रहा, आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड ले गए, बिजली का बिल भी ले गए, हाँ फोटो कॉपी भी ले गए, हाँ फिर भी नहीं दिया उन्होंने, राशन नहीं दिया, राशन नहीं दिया, तुम्हारे कार्ड बंद है, बताइए ये हालत है, हाँ कितने परिवार हैं यहाँ पे, 15-16 परिवार है, 15 परिवार नहीं निकलने की कोशिश भी कर रही थी, फिर लौटा दिया उन लोग, वापस घर में भिजवा दिया, हाँ वो वापस कर दिया। अच्छा ये परेशानी आप लोग, ऊपर से इतनी गर्मी है अभी तो यहाँ पे 20-21 तारीख को देख लेते हैं, तपती है साहब, यहाँ पे पंखे वंखे हैं, पंखे हैं साहब, नहीं है जले पड़े हैं, किसी के पास नहीं है, खराब हो कोई जले, अब खराब है तो खाने को तो पैसे नहीं है, खाना खाना चाहता हूँ। कोई चेकिंग वेकिंग करा है, टेस्ट करा है किसी ने, नहीं किसी ने, कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई राशन नहीं मिल रहा, तो खाना देने आया था तो एक रोटी देके चले, एक रोटी देते हैं तो एक चम्मच किसी को, एक चम्मच चावल दे रहा है, थोड़ी सी दाल दे, एक चम्मच चावल और क्या, इतने इतने भाई वो भी एक बजे आते थे, कैसा एक चम्मच, मतलब क्या बना हुआ है फिर, हाँ बना हुआ एक चम्मच वाले घर को, बच्चों को देते थे, घर दिखाना चाहता हूँ, इतना छोटा सा यहाँ पे खड़े भी हो जाओगे तो आपको झुक के अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये कि अंदर भी जाए तो झुक के जाना पड़ेगा, 15-16 परिवार है एंड तिलक विहार का एरिया है, खुद सुनिए तीन बार जाने के बाद राशन कार्ड नहीं दिया रहा, टेस्ट नहीं हो रहा यहाँ पर, कितनी परेशानी है, सोचिए कैसे चलेगा काम, अरे बच्चों को दवाई कराने जाते हैं तो दूर बैठा देते हैं, ले भाई दूर से गोली फेंक दी, ले भाई। अच्छा और बच्चों को अभी दवाई करा के ले आए, उसका बाबूजी दिक्कत तो ये है कि पेट भर जाए और क्या है, पैसे थोड़ी क्यों रखा, पैसे नहीं जब खाना मिल जाए ना, खाना मिलेगा पैसे का क्या करें, हाँ जो थे वो भी उधार ले लिए ठेकेदार, अरे यार दो दो चार चार हजार रुपए खा लिए एडवांस, जब हम 2 महीने और काम करेंगे जब वो चुका पाएंगे, जब खा पाएंगे, दुकान पर अगर लहसुन लेने जाते तो 50-55-56 का, वो तो ऐसे ऐसे ठेकेदार हैं तो वो देते जाते के लिए चाहिए, काम वाली दुकान है, कोई लहसुन की दुकान है, लहसुन की दुकान है, सारी दुकान आटा चावल पैसे में मिलता है साहब, पैसा किसी के पास, अब पैसे नहीं है तो जाते नहीं है, अब उनको फिर भी थोड़ी देंगे, वो भी महंगे देते हैं, हां वो भी अब बेचारे के उसके भी कुछ उतार कर दिए, 15-16 परिवार है स्लम में, अब परेशानी समझिए कैसे आदमी जिएगा बताओ, उधार ले लेके जी रहे हैं, अगर खुलेगा बाई चांस तो भी तो कितनी परेशानी आएगी, किसी का 4 महीने काम करेंगे जब ये एक पैसे जमा पाएंगे, इसके बाद खा पाएंगे साला सुकून से, जब चुकेगी पैसे, जब 2 महीने और काम, और जो देने भी आ रहा है राशन मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा, मतलब क्या वो लोग सोच के देते हैं कि एक चम्मच खाना पकड़ा दिया बच्चों को,
इससे बढ़िया फिर क्या फायदा देने का अगर एक चम्मच से दे रहा है। खुद तो मना कर दिया, सोचना चाहिए एक रोटी नहीं लेंगे भाई ऐसे तो हम अपने, ठीक है बच्चों को खिलाएंगे वैसे ही खिला देंगे, ये मांग लेंगे तो मिल जाएगा। 15-16 परिवार है यहाँ पे, हमारी टीम बीबीएफ यहाँ पर आई है एंड परेशानी देखिए हमको बताया था यहाँ पे इतनी दिक्कतें आ रही, तो हम कोशिश करते हैं चलिए थोड़ी बहुत इनकी हेल्प करने की, इतना हमसे हो पाता है और इंसानियत के नाते ये चीज़ करना चाहिए। ये सर्व करने का मौका है आपके लिए, घर पे बैठ के यू नो अपने खाना बहुत इजी है, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगे आप लोग तब परेशानी समझ में आती है। इतनी गर्मी में इमेजिन कीजिए, इस धूप में कोई शेड नहीं है यहाँ पर, आप देखेंगे तो सीधा नहीं खड़े हो सकते घर में। और जो ठेकेदार में अभी उधार दे रहे हैं, नहीं कि फ्री में दे दें, चलो इस टाइम दिक्कत आ रही तो कोई पैसे दे दें, नहीं कार्ड में एक एक रुपया का हिसाब ले रहे, वो तो हिसाब लेगा, अकाउंट खुलेगा तो चुकाएंगे, जो लिए पैसे दे भी रहा है वो एक एक हिसाब लिख रहे ग्रुप का कि वो भी वापस लेगा, वो लेगा नहीं, वो जैसे आपसे लेंगे उधार तो देंगे ना फिर देने तो पड़ेंगे। वो यहाँ पे राशन मिलता है, मिलता है, पांच बच्चे आदमी है इस महीने का, आदमी घर से करेगा, पांच बच्चे अकेली औरत वाले, अभी पांच बच्चे गांव कैसे गए, वो पहले निकल गए लॉकडाउन के, वो दवाई कराने के लिए तबीयत खराब होती तो वही गांव में रह गए, तो अच्छा बंद हो गया तो रह गए, अभी हस्बैंड चले गए अकेले हो, अकेले बच्चे बच्चे कैसे, पांच बच्चे एक जा लड़के एक हुए तीन गए, पांच बच्चे तो कैसे चल रहा था घर, कैसे चल रहा है, अब एक टाइम खाते थे तुम गिरे एक टाइम खाना खा रहे हो पूरे दिन में, देखिए परेशानी कितनी दिक्कत है, इतने सब तक राशन पहुंचाया जा रहा है, कहां पहुंचाया जा रहा है, हम तो डेली ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, स्लम विजिट कर रहे हैं, कितनी चीजें दिखा रहे हैं आप लोगों को, हमको तो कहीं भी ऐसा नहीं नोटिस में आ रहा है कि कहीं भी पहुंचाया जा रहा है। और जो जा रहा है उन्होंने बताया भैया ने कि 3 बार होके भी आ गए राशन का, फिर भी राशन नहीं मिल रहा, बताओ, और जो बांटने आ रहे हैं खाना वो एक चम्मच देके चले जा रहे हैं, क्या है ये बताइए, वैसे गर्मी इतनी है आप यहाँ पे, मतलब छोटा सा शेड भी नहीं है यहाँ पे, धूप इतनी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, खाना भी नहीं है, परेशानी देखिए कितनी साथ जाए, कोई पैसे कोई राशन कुछ भी आया है, राशन हो रहा होता तो हम कुछ नहीं है, कहना आसान है ऊपर से कि हर जगह हो रहा है, हर जगह चीजें पहुंच रही हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे आएंगे हमारी तरह तो समझ में आएगा आपको कि कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए हमारी टीम यहाँ पर आई है, अपनी साइड से पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ पर आसपास राशन 3-4 आइए मेरे साथ वॉक करते हैं, गिनते हैं कितने परिवार हैं यहाँ पे, 4-5 है, भीड़ में लगाओ, भीड़ में लगाओ, दूर दूर, ठीक है, 15 परिवार देखिए देखिए यहाँ पे घर हम दिखाते हैं वो कहाँ पर है, ये घर ये देखिए किस हालत में लोग रहे, धूप हो रही है लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल में जितना हमसे हो पा रहा है, आप लोग देख रहे हैं पूरा चैनल हमारा विजिट करना, जितना हमसे हो पा रहा है हम इस टाइम कर रहे हैं, इस चीज में सबको साथ आना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी परेशानी, क्योंकि घर बैठ के चीजें सॉल्व नहीं होती हैं एंड दूसरों पे जिम्मेदारी डाल के भी चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, आपको खुद एज ए इंसानियत करना पड़ेगा। 15-16 परिवार हैं जो आप बहुत परेशान हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे राशन की दुकान सामने है ना, तो चलिए हम चलते हैं जितना हमसे हो पाएगा आज इनके परिवारों को, एटलीस्ट टाइम से तीनों टाइम बच्चे खाना खा सके, क्योंकि परेशानी इतनी है, एक बार ही खाना खा रहे हैं और जो बांटने वाले आ रहे हैं वो भी एक एक चम्मच खाना दे रहे हैं, मतलब सुन के बुरा भी लग रहा है, हंसी भी आ रही है, लेकिन क्या बोले, कुछ बोलने के लिए कुछ वर्ड शब्द कम पड़ जाते हैं जब ये सुनने को आता है कि एक दिन का एक परिवार एक चम्मच खाना दे रहा है। अब इमेजिन कीजिए उन्हीं को अगर ये चीज बोल दी जाए कि आपको एक चम्मच खाना मिला पूरे परिवार को पाली है, तो वो लोग ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, खुद अपनी बातों में हंस लेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो एक चम्मच देकर चले जाएंगे, मतलब सिर्फ कहने के लिए कि वहां के मत करके चले गए, लेकिन ऐसे मदद नहीं होती है। अगर आप इंसान हैं तो आपको दूसरों का दर्द समझना बहुत जरूरी है, वो भी ग्राउंड लेवल पे, एंड सबसे ज्यादा मार इस टाइम कोई खा रहा है तो वो यही लोग हैं जो डेली वेजेस में काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो हमारा इंडिया यू नो यही लोग हैं, इनकी वैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हर चीज होता है, और वही लोग अगर परेशान होंगे तो ये लॉकडाउन जब खुलेगा तो समझिए कितनी दिक्कतें आएंगी उनके परिवार को, इनके दर्द हैं, इनके भी परेशानी होती है, आंसू होते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग आए हैं यहाँ पे तो हम लोग अपनी साइड से पूरी हेल्प करेंगे, तो आप दोनों मेरे साथ चलिए और हम बाकी परिवार को राशन बांटने का इंतजाम करते हैं, ठीक है। Thank you.
तेल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, नमक हो गया, मसाले हो गए, नहाने धोने के साबुन दे दो, एक एक साबुन दोनों दे दे, नहाने का एक से क्या होगा, चार चार साबुन 15 जगह बैठा 15 जगह चार चार साबुन, ठीक है। हमारी कोशिश है खुश एटलीस्ट हो जाए काम, क्योंकि ऐसा चीज दो कम से कम जिनकी मदद हो पाए, पूरा महीने भर खा पाए। यहाँ पर देख सकते हैं सबके लिए 10 किलो आटा चावल, ये सारे आटा और चावल हैं, ये पूरा तेल है सबके लिए, इसमें साबुन वगैरह है, इसमें मसाले हैं, धनिया पाउडर जो भी बेसिक नीड होती है, इसमें दाल है, तो सबके लिए पूरे महीने का राशन रेडी है। एक एक करके हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बांटना शुरू करेंगे। चीनी और मसाला, ठीक है, देखे जाओ। एक हो गया, ठीक है, चीनी हो गई, सबके लिए अलग अलग पैकेज बना दो, खोलवाऊंगा तो एक एक दो, एक दो चावल का है, खाना का पैकेट, एक पैकेट नहीं है, चावल नहीं है, चीनी है, एक पैकेट चावल खाओ दस पीछे से, ठीक है, ये दूसरे परिवार का, ये लो खा लो, ठीक है, एक परिवार का हो गया, दूसरे परिवार का रखते जाओ, तीसरे का रखो चावल, दाल, एक साबुन दो, एक वो दो, एक तेल दो, चीनी दस, चीनी का पैकेट दो, एक और ये दोनों दो, एक ले लो, इस घर में उनका तो हो गया, किसका हो गया, किस घर से हो, इस घर से हो, उठाओ उठा लो, ले जाओ, एक एक करके सबके घर के आगे आगे हम लोग पहुंचाते जाएंगे इसको। ये चलो भैया ले जाओ अगला परिवार। साबुन हो गया, सब कुछ हो गया, तेल की बोतल रखो, लोगों ने, हमारी टीम ने इन पूरे 15 परिवार तक, पीछे स्लम आप लोग देख रहे हैं उन तक पहुंचा दिया राशन, पूरे महीने का राशन, एंड हमारी टीम ऑलमोस्ट 300 परिवार तक राशन पहुंचा चुकी है। आप पूरा चैनल हमारा देखना, एंड जितना हो सके हमको प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि हमारी टीम ग्राउंड लेवल पे जाती है एंड लोगों से मिलती है, उनके परेशानी, उनको पूरे महीने का राशन देती है। प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करें, कि पूरी ज़िंदगी भर हम लोगों ने पैसा कमाया, ये वक्त है सर्व करने का देश के लिए, जब लोगों को ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करना, इतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, दिल्ली में इतनी गर्मी आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम लोग लगे पड़े हैं पूरे महीने, डे वन से जब तक से लॉकडाउन हुआ है, जानवरों के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सपोर्ट करना हम लोगों को, जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, नाम है ब्राउन फिटनेस ऑफिशियल। जय हिंद।